जब से ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अनाउंसमेंट हुई है तब से लोगों के बीच इस बात की एक्साइटमेंट है कि दिनेश विसांज इस यूनिवर्स को कैसे बिल्ड करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा लूप होल्स हैं, तो ऐसे में यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे इन फिल्मों के बीच एस्टेब्लिशमेंट बैठाई जाएगी और कैसे ये फिल्में आपस में कनेक्टेड होंगी। अब बात करते हैं इसी यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में। तो हाल ही में जियो स्टूडियोज द्वारा ऑर्गेनाइज एक इवेंट में स्त्री के मेकर्स ने इसकी सीक्वल का रिलीजिंग डेट अनाउंस कर दिया है, जो कि है 31 अगस्त 2024। स्त्री 2 में हमें पुरानी कास्ट ही देखने को मिलेगी, जिसमें होंगे श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी। और इस रिलीजिंग डेट के अनाउंसमेंट सुनने के बाद फैंस को इस यूनिवर्स को देखने की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है, स्पेशली स्त्री 2 के लिए, क्योंकि इसका पहला पार्ट भी बहुत ही ज्यादा हिट रहा था। इस यूनिवर्स की दूसरी अनाउंसमेंट है भेड़िया 2 से रिलेटेड। वरुण धवन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्टर शेयर करके भेड़िया 2 की अनाउंसमेंट कर दी है और साथ ही साथ हमें ये भी बताया है कि भेड़िया 2 हमें 2025 तक देखने को मिलेगी, यानी कि स्त्री की सीक्वल हमें 2024 में देखने को मिलेगी और भेड़िया 2 हमें 2025 तक देखने को मिलेगी। तो यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दिनेश विसांज इस यूनिवर्स को कैसे बिल्डअप करते हैं और हमें कौन कौन सी नई फिल्में इस यूनिवर्स में देखने को मिलेगी और कब तक वो फिल्में आएंगी। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस यूनिवर्स को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताओ। ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट और रिव्यूज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।